अब 10 जो ज़िलहिज्जा है उसमें आपको जो काम करने हैं इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, बहुत अहम अहम काम है। यह 17वां पॉइंट है कि इसके अंदर आपको पहला तो काम यह करना है 10वें तारीख में कि सूरज जैसे ही तुलू हो जाता है तो बड़ा जमरा जमरा की तरफ आप रुख करते हैं सीधे हाथ की तरफ, और मक्का बाएं जानिब रहे, मारने की कैफियत भी बताई जा रही है, अगर ये सुन्नत पे भी अगर अमल करेंगे तो बेहतर रहेगा। राइट साइड पे आपका जमरा रहेगा, लेफ्ट साइड पे काबा जहां पर रहेगा मक्का जहां रहेगा वहां पर ठहर कर कंकरियां मारते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वरना पूरे राउंड में जहां से भी मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मारेंगे तो कोई मसला नहीं। जो लोग बूढ़े हैं और कमजोर हैं वो लोग जाकर मारना उनके लिए मुश्किल है, तो उनके लिए मैं टिप देना चाहता हूं, जैसे पूरे लोग जाते हैं तो उनको राउंड सामने कुआं नजर आता है तो लोग जाते आते मारने की कोशिश करते हैं, तो नतीजे में दूर होते 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 दूर चले आते हैं, तो आप थोड़ा सबर करके थोड़ा सा राउंड पूरा करेंगे ना पीछे से अगर आप आ जाएंगे तो अक्सर वहां जाकर खाली रहती कई मरतबा तक साथ, तो कोशिश करिए कि आप वहां पर चले जाए, इस तरीके से दूसरों को भी सहूलत हो जाएगी और पूरी तरीके से मारने की। और वहां से आते हुए अगर आप थोड़ा सा ऐसे आ जाएंगे तो राइट साइड पे जमरा हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे मक्का हो जाएगा, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। आप कंकरी मारते हैं 7 कंकरियां, अल्लाहु अकबर तलबिया बंद कर देना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो आप पढ़ रहे हैं वो सारा बंद कर देना चाहिए। सूरज तुलू होने से पहले आपको कंकरियां नहीं मारना है, अलबत्ता जो टाइम है असल में वो है सूरज ढलता जवाल बोलते, जवाल का मतलब ये है कि जो जोहर का टाइम होता है उस वक्त पर सूरज दरमियान में आके थोड़ा सा हटता है, जवाल गिरना, वो टाइम तक सूरज निकलने से लेकर जवाल तक आप कंकरियां मार सकते हैं। और अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही भीड़ ज्यादा है तो रात तक भी कंकरियां मारना जायज है, लेकिन सूरज निकलने से पहले आप नहीं मारेंगे। और उलमा कहते हैं कि दो काम करें 10 तारीख के, दो काम करें यानी कि या तो कुर्बानी दे, कंकरियां मारे, सही करे, तवाफ करे, चार कामों में से कोई दो काम करेगा तो अहराम की पाबंदी खत्म होती है, वो अहराम उतार सकता है, आम कपड़े पहन सकता है। लेकिन और ऑथेंटिक रिवायतों में पता चलता है जैसा कि शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने साबित किया है दलाइल के जरिए से, अगर कोई एक काम भी कर लेता है चार कामों में से, कंकरी आपने मार ली अगर अल्हम्दुलिल्लाह 7 कंकरी आपने मार दी तो अहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पर अमल करते, एक काम भी अगर आपसे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, आप आम कपड़े जो पहनते हैं वो पहनकर, कुर्बानी देने का मसला है, बाल काटने का मसला है, और तवाफ और सही का मसला है, कंकरी मारने का मसला है, इसमें से अगर कोई एक काम आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर से अहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती है, आम कपड़े पहनकर फिर बाकी के काम भी आप कर सकते हैं। और सिर्फ हाजी अपने बीवी से हम बचते नहीं कर सकता, एक पाबंदी भी बाकी रह जाती है, अगर आदमी एक काम कर लिया तो कपड़े पहनने वगैरह की जितनी जिम्मेदारियां हैं जो पाबंदियां खत्म होती है। अलबत्ता एक ही है कि शौहर बीवी आपस में जिमा नहीं कर सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता उसके बाद बाकी के जैसे कि उसने तवाफ कर लिया, जियारत कर लिया, अगर तवाफ जियारत कहते हैं जो तवाफ जाके कर रहे हैं, जियारत यानी कि विजिट, फिर आप क्या करते हैं मक्का विजिट करते, देखिए आप मीना से फिर मक्का जाते हैं, इसको कहते हैं तवाफ जियारा, इसको तवाफ इफादा भी कहते हैं, इफादा माने चलकर जाना, अफादा इफीदु बहाना, ऐसा लगता है ऊपर से पूरे इंसानों का गौल जैसा लगता है जैसे कि बहकर जा रहे हैं, यानी कि ढलवान है, मीना से मक्का की तरफ ऐसा लगता है जैसे कि ढलवान है, पूरे के पूरे लोग जैसा पानी बहकर जा रहा है, उस अंदाज में इसको तवाफ इफादा कहते हैं, तवाफ जियारा कहते हैं। तो ये जो तवाफ करने के लिए आप जाते हैं उसको तवाफ कर लिए अगर आप सही कर लिया आपने, तो बड़ी जो बीवी से हमबिस्तरी करने के लिए जो रुकावट थी ना वो भी रुकावट खत्म हो जाती है, पाबंदियां खत्म। अच्छा अब यहां पर एक पॉइंट है, अगर रात हो गई, मान लीजिए उसने तवाफ नहीं किया, सही नहीं की और रात हो गई, अहराम उतार दिया उसने, अहराम उतार दिया, एक आदमी कंकरी मारने का अहराम उतार दिया, लेकिन तवाफ करना बाकी है, उसको सही करना बाकी है, अब जाकर तवाफ और सही करने मक्का पहुंचते पहुंचते तक रात अगर हो गई तो फिर दोबारा अहराम पहन लेना चाहिए, वापस फिर अहराम पहन लेगा, क्योंकि उसको जो सहूलत मिली थी वो इस शर्त पे कि वो तवाफ और सही कर लेगा। लेकिन उलमा इकराम ने कहा यह जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है अहराम दोबारा पहन लेना, पहन लेता है तो सुन्नत के मुताबिक ठीक है,
लेकिन ये फर्ज नहीं है। अगर कोई नहीं पहनेगा तो उसका हज नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, सुन्नत है।